बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज 30th July 2020 थर्सडे एंड योर लेक्चर नंबर 17 एंड योर डायरी इज एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2 + 5। ये आपका है बुक पेज नंबर 64 एंड 65 पे, प्लस आप लोगों का बुक पेज 63 रह गया, तो हाफ वो भी आज हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर। ओपन योर बुक पेज नंबर 63 फर्स्ट। चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमेंबर करवा दूं कि हम लोगों ने पढ़ा था एयर हमारे पास डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन पाई जाती है और उसमें वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं और उसमें रेयर गैसेस भी पाई जाती हैं। तो वो सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, बस एक चीज़ रह गई थी, वो है वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। इसकी भी वाटर वेपर्स की बहुत ही कम मिकदार एयर में पाई जाती है, लेकिन इनका रोल क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हैं एयर में। बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर चेंजेस विद चेंजिंग वेदर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि वेदर के चेंज होने से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की अमाउंट जो है वो भी चेंज हो जाती है। वो कैसे चेंज हो जाती है अभी हम लोग देखते हैं। आप लोगों को पता है प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास अर्थ पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। प्लांट्स पानी लेते हैं सॉयल से, ठीक है, और एनिमल्स भी पानी को लेते हैं। हम लोग पानी पीते हैं ना, तो बाद में क्या होता है, गर्मियाँ आती हैं तो पानी जो है वो हमें, गर्मियाँ आती हैं तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, उनमें पसीना आता है, उनमें पसीने के ज़रिए इवेपोरेशन होती है। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के भी ऐसे पत्ते बने होते हैं, पत्तों के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा के ज़रिए ऐसे जब सुबह आप उठते हैं तो पत्तों के ऊपर ऐसे पानी होता है, वो पानी से फूल भीगे हुए होते हैं, तो उनमें भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। वो जो पानी ये वाला एब्जॉर्ब करते हैं, बाद में वो इवेपोरेट कर देते हैं। हम लोग भी जो पानी पीते हैं वो साथ ही इवेपोरेट कर देते हैं। गर्मियों में हम लोग इवेपोरेट करते हैं ताकि बाद में कूलिंग प्रोसेस हो सके, हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये इवेपोरेट होकर जाता कहाँ पे है पानी, ये एटमोसफेयर में जाता है, जाहिर सी बात है। इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होने के बाद प्लांट्स ने जो एवेपोरेट किया और एनिमल ने जो एवेपोरेट किया वो कहाँ पे जाएगा, क्लाउड्स में, ठीक है। वो क्लाउड्स में जाएंगे वाटर वेपर्स, वो वाटर वेपर्स यहाँ पे जाके जमा हो जाएंगे, जमा होने के बाद जब यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होने के बाद वो बारिश की फॉर्म में अगेन नीचे आएंगे, अगेन उसको प्लांट्स यूज़ करेंगे, एनिमल्स यूज़ करेंगे और फिर दोबारा से वो साइकिल। अब इसने कैसे, उन्होंने कह दिया कि वाटर वेपर जैसे ही, मतलब हमारे पास वेदर चेंज होगा, वाटर वेपर जो है उनकी अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। अगर तो हमारे पास बारिश हो रही है ना, तो ये सारे के सारे वाटर वेपर्स आ गए हैं, तो अब यहाँ पे जो वाटर वेपर्स वो कम हो गए, अगेन दोबारा से साइकिल चलेगा, फिर वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे, गर्मी होगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, और जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतने ही ज़्यादा यहाँ पर वो जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होंगे और बाद में उसी फॉर्म में हमारे पास बारिश होगी। तो इसके वेदर के चेंज होने से हमारे पास वाटर वेपर्स की अमाउंट भी चेंज हो रही है। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर काजेज रेन। जब वाटर वेपर जो है उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास बारिश हो जाएगी। देखें जैसे ही, मतलब ये चेंज हुए हैं तो साथ ही वेदर भी चेंज हो गया है, जैसे ही ये ज़्यादा हुए हैं बारिश हो गया और वेदर भी साथ ही चेंज हो गया है। वाटर वेपर इन द एयर कंट्रोल द रेट ऑफ वेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बात अभी हमने कर ली है कि जो वाटर वेपर होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन को, पानी के बखारात बनने के रेट को कंट्रोल करते हैं, कहाँ से, प्लांट से और एनिमल्स से। कैसे, वो हम लोगों ने अभी देख लिया है कि वो जो यहाँ से इवेपोरेशन होती है वो सारी की सारी वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्लाउड्स बना देते हैं और फिर बारिश होती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर सम टाइम प्रोड्यूस स्मोक। अब जो वाटर वेपर्स हैं, कहते हैं कभी कभी ये स्मोक भी प्रोड्यूस करवाते हैं। अब हमारे पास स्मोक क्या होती है, स्मोक आप लोगों ने नाम सुना होना है, सर्दियों में अक्सर ही कहते हैं कि स्मोक की वजह से ऐसे हो गया या फैक्ट्रीज वगैरह बंद है। स्मोक होती क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। फोग कहते हैं धुंध को और ऊपर से जो फैक्ट्रीज वगैरह से धुआं निकलता है, जब ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्मोक प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कहते हैं सम टाइम जो वाटर वेपर्स हैं एयर में वो भी स्मोक को प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट आपका
डस्ट पार्टिकल्स, हमने पढ़ा था एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर, एयर में स्मोक भी प्रेजेंट होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। वी कैन सी डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, हमें एयर में डस्ट पार्टिकल्स नज़र भी आते हैं। वो कैसे नज़र आते हैं, कहते हैं क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ योर रूम ड्यूरिंग अ सनी डे, जब कभी धूप लगी हो सारी विंडोज़ और रूम की डोर जो हैं वो सारे के सारे बंद कर दें। लेट द सन लाइट एंटर थ्रू अ स्मॉल होल, एक थोड़ा सा मतलब कहीं से होल वगैरह हो वहाँ से सन लाइट को एंटर होने दें। एंड सी द डस्ट पार्टिकल्स, आपको डस्ट पार्टिकल नज़र आएंगे। वैसे आपको एयर में नहीं नज़र आते, लेकिन अगर आप दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह बंद करें और थोड़ी सी जगह से आप लोग सनलाइट को आने दें तो उस सनलाइट में आपको डस्ट पार्टिकल नज़र आएंगे। नेक्स्ट हम आप लोगों का देखते हैं जो एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2 और 5 था। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले ओपन करें, उन्होंने बोला है राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के आगे उसका एक राइट वर्ड चूज करें। द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर डेट सपोर्ट्स आर लाइफ, एटमॉस्फेयर की वो लेयर जिसने सारी लाइफ को सपोर्ट किया हुआ है, जहाँ पे हम सारे सांस ले रहे हैं, वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। हम लोगों ने रीडिंग में भी पढ़ा था। द गैस डेट मेक्स अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर, सबसे ज़्यादा एयर में कौन सी गैस पाई जाती है, ये हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं, वो है नाइट्रोजन। सो आप लोग यहाँ पर राइट करेंगे कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आप लोगों का द गैस डेट मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ एयर, वो वाली गैस जो एयर में 21% पाई जाती है, ये भी हम लोग बार बार रिवाइज करते आ रहे हैं, ऑक्सीजन। अ गैस विच इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल, सोडा वाटर बॉटल में अंडर प्रेशर कौन सी गैस फिल की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है आप लोगों का एक्सरसाइज क्वेश्चन 2, इन सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर, जो हम लोगों ने बेस्ट आंसर है वो चूज करना है। थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड एक थिक ब्लैंकेट है, उस थिक ब्लैंकेट को क्या कहते हैं, एटमोसफेयर। यहाँ पे आप एटमॉस्फेयर को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है वी कैन प्रोड्यूस अलॉट ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र बिकॉज, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया फर्टिलाइज़र कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्यों, ये हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा था कि देर इज़ अ लार्ज लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, एयर में नाइट्रोजन के प्रेजेंस की वजह से हम लोग जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो बना सकते हैं, ये हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा था। तो आप लोग बी वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों के पास ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नीज रॉकेट्स यूज, जब वो रॉकेट जितने भी हैं वो स्पेस जर्नी में जाते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं तो कौन सी अपने साथ एयर में से मतलब कौन सी गैस लेके जाते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन। वो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि रॉकेट्स को प्रोपेल करने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, तो ए वाला ऑप्शन आप लोग चूज़ करेंगे। वी वांट आवर बन टू बी फ्लफ़ी विच गैस कैन हेल्प अस, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो बन वगैरह है उसको फ्लफ़ी कर सकें, तो कौन सी गैस यूज़ करेंगे। हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा था कि केक्स वगैरह को जब हम लोगों ने फ्लफ़ी बनाना हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमने बन को बनाना है तो बन को बनाने के लिए भी कौन सा यूज़ करेंगे, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ अबाउट, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है, हम लोगों ने पढ़ा था 0.03 से 0.04% एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। नेक्स्ट विच गैस इज कंसीडर्ड एज लाइफ सपोर्टिंग, कौन सी गैस को कंसीडर किया जाता है कि ये लाइफ को सपोर्ट कर रही है, ऑक्सीजन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रोपोस्फेयर में सबसे मतलब ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा ये वाली जो गैसेज हैं ये पाई जाती हैं, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर भी लाइफ को सपोर्ट करने में सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट मैप क्वेश्चन नंबर 5, फिल द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, उन्होंने कहा कि ये वाले वर्ड्स को यूज़ करें, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, एयर को और नाइट्रोजन को। अच्छा, अब एयर है तो एयर हमारे पास हमने कहा था डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, एयर में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे एयर, एयर तीनों गैसेस का मिक्सचर है। फिर हम लोग देखेंगे कि इनमें से रिड्यूस रस्टिंग, आयरन को जंग लगने से कौन सी गैस बचाती है इनमें से तीनों में से, नाइट्रोजन, ये हम लोग रीडिंग में पढ़ा था, तो यहाँ पे राइट करेंगे नाइट्रोजन। हेल्प्स इन बर्निंग, बर्निंग प्रोसेस में कौन सी गैस हेल्प करती है, ऑक्सीजन, हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ड्राई आइस, कौन सी गैस है जिसकी मतलब हम जिसको फ्रीज करके तो ड्राई आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में फूड को प्रिजर्व करने में यूज़ करते हैं, वो थी हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, जज़ाकअल्लाह।